हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी जो है रेगुलर शॉर्ट्स डाल रही थी, लेकिन क्या है ना, ना तो टाइम ही मिलता है, ना आप लोगों के पास टाइम है कि आप लंबे वीडियोस देख सको। तो सोचा कभी कभी वीडियोस डालूंगी तो शायद आप लोग देखोगे कि गार्डन कैसा है, क्या क्या चल रहा है, ये सब बनाने के लिए मैंने कहा एक लॉन्ग वीडियो तो आज डाल ही देते हैं। मैं अपना जंगल आप लोगों को दिखा रही थी, बारिश की वजह से और बहुत सारा, जैसे अभी बहुत सारी चेंजेस हुए हैं इसमें, उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी सारा ये जंगल बन गया है। आप देखो टर्टल वाइन के हाल देखो, कितना ज़्यादा फैल गया टर्टल वाइन। छोटे छोटे थे, यहाँ पे चार गमले रखे हैं टर्टल वाइन के एक स्टूल के ऊपर, लेकिन वो चारों के चारों इंटरमिक्स इस तरीके से हुए हैं कि वो पता भी नहीं चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से फैल गया है। ये मैंने ऑक्सीकार्डियम छुपाया था पीछे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था और अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने गर्मी में इसको छुपा दिया था। ये भी नीचे नीचे बहुत सारा फैल गया है। अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, इसलिए शायद पता नहीं चल रहा होगा। ये पत्थर चट है, लाल वाली पत्थर चट, ये देखिए इसका भी आप पत्ते का साइज़ देखो, कितने लश ग्रीन और अच्छे पत्ते हैं, एकदम हार्डी हैं, ये एकदम क्रिस्प हैं। ये जिसे डॉलर प्लांट कहते हैं, पॉइनसेटिया शायद इसका नाम है, बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये भी पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट मैंने छुपा छुपा के रखे हैं। मॉर्निंग ड्यू है, जो बहुत गर्मी में नहीं सहते हैं ना, वो वाले प्लांट रखे हैं। एक मैंने ये बॉल बनाई थी, ये देखिए ये वाली बॉल जो है, ये भी टर्टल वाइन की मैंने बनाई थी। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो डाला था कि किस तरह से मैंने ये बॉल क्रिएट की है। अब इसकी कितनी सुंदर चारों तरफ से देखो, बहुत ही अच्छा हो गया, बिना गमले के अपने आप ये चले जा रही है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस तरह से अपने कोई क्राफ्ट करते हो और उसके बाद वो इतना अच्छा रिजल्ट दे, तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ जेड भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ मेरा देखो अनार का प्लांट है, और आप देखो कितने सारे अनार इस पे ऑलरेडी आए हुए हैं। ये देखिए चार का गुच्छा यहाँ है, एक वहाँ है, दो का गुच्छा यहाँ, चार का गुच्छा नीचे, तो अल्टीमेटली 10-12 अनार इस पे इस टाइम पे लगे हुए हैं और सारे अच्छे चल रहे हैं, साइज़ भी इनका बड़ा हो रहा है। ये मेरा टिकोमा है, टिकोमा हर बार बहुत ही अच्छा खिलता है, इतना सुंदर इसकी फ्लावरिंग आती है, पूरा भर के बहुत सुंदर टिकोमा यहाँ पर खिलता है। और साथ में येलो टिकोमा भी है, जिसकी मैंने अभी अभी कटिंग कर दी है। आप कहोगे कि फ्लावरिंग का टाइम था कटिंग, क्योंकि अभी जो है ये किसी भी तरह से किसी भी शेप में बढ़े जा रहा था, लेकिन इसकी कटिंग करके अब यहाँ पे इसकी ऐसे टोपी सी बन जाएगी और वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए थे और बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि कौन सा टिकोमा कहाँ से निकल रहा है। ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये मॉर्निंग ग्लोरी का। आप देखो फ्रेम के ऊपर मैंने चढ़ाया था और ये पूरा उनके, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो पूरा बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाई भी नहीं देगा फ्रेम नीचे कहाँ पर है। और वो सिर्फ डंडे का फ्रेम है, ऐसा नहीं है कि उसको मैंने वायर से कोई शेप दिया है या ऐसे, ये अपने आप सारा कवर कर गई है। अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और तब बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। ये नींबू की भी मैंने कटिंग कर दी है, दोनों नींबू के सारे नींबू उतार कर, अभी भी एक आधा नींबू इस पर रह गया, बाकी नींबू मैंने इस पे से उतार लिए थे। नींबू बहुत ज़्यादा आए थे इस बार, और ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 4-5 किलो नींबू तो मैंने उतारे ही है। और उसके बाद अब ये कटिंग कर दी है ताकि अगले सीज़न के लिए, अगली इसकी हार्वेस्ट के लिए ये रेडी हो सके। यहाँ बीच में मैंने मोस्टेरा एक लेडर पे चढ़ाया है और ये भी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर धूप आती है लेकिन ऑल द टाइम नहीं रहती। ये है हमारा पर्पल पर्स, येलो पर्सलेन और पर्पल हार्ट ऊपर है। येलो पर्सलेन यहाँ पर मैंने लगाया था, थोड़ा सा था, अभी काफ़ी फैल गया है,
दूसरा मेरा पर्सलिन यहाँ पर है, देखिए ये तो बहुत ही सुंदर खिला है पूरा। ऊपर से मैं आपको दिखाऊं पर्सलिन पे इस टाइम पे बहुत सुंदर फ्लावरिंग है और चारों तरफ इसके फ्लावर ही फ्लावर है। यहाँ पर ये देखिए पर्सलिन मैंने रखा है, पर्सलिन के साथ में रखा है पोटियोलका, पोटियोलका भी पिंक पोटियोलका है जो बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पर ये रंजई रखा है, रंजई थोड़ा सा डाउन जा रहा है। फिर आता है रुएलिया, रुएलिया के भी फूल अभी अभी ख़त्म हुए हैं पर बहुत सारी इस पर अभी भी बर्ड्स हैं जो अभी खिलने वाली हैं, तो रुएलिया भी बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर ये हमने टर्टल वाइन की कुछ इसमें नीचे डाली है, गॉम्फ्रेना है, गॉम्फ्रेना भी बहुत ही प्यारे तरीके से खिला है। रोज़ में अगर आपको दिखाऊं, रोज़ेस भी इतने सारे रोज़ेस थे, ये आज ही ख़त्म हुए हैं, आज इनकी मैं डेड प्रूनिंग करूँगी, ये सारे अभी ख़त्म हो गए और नए इस पर बर्ड्स आ रहे हैं। ऐसे ही आगे मैंने लगाया है ये स्नेक प्लांट्स है, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से पोटियोलका है, ये भी DIY था, चिड़िया हमने बनाई थी और उसके अंदर जो है मुंह से इसके यहाँ से देखो कैसे सुंदर तरीके से ये निकल रहा है। जेड के हमने एक ये बोनसाई बनाने की कोशिश की है और अभी इसमें भी इसकी अच्छे से शेप ये लेता जा रहा है। बाकी स्नेक प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है, ढेर सारा स्नेक प्लांट है, अडेनियम है मेरे पास में, फिर येलो कलर के पोटियोलका भी मेरे पास है, अलग अलग डिफरेंट कलर के पोटियोलका मेरे पास है। यहाँ पे मैंने बॉटल्स में लगाए हैं पोटियोलका सारा, बहुत जो हमारी कोक की बॉटल्स होती हैं उनको काट काट के यहाँ पर सब में पोटियोलका लगाया हुआ है और पाइप्स पे हमने सारा ये रखा हुआ है जिससे ये छुप जाता है। यहाँ आगे पुदीना है जिसके अंदर अरबी भी उग रही है, आप देखो पुदीना बहुत अच्छे तरीके से फैला है, बहुत सारा पुदीना है और जिसमें खूब सारे बीच में और भी प्लांट्स हैं जो मैं मेरी आदत है जहाँ तहाँ मैं डाल देती हूँ, तो वो अरबी भी इसके बीच में से उग रही है, यहीं पे लहसुन भी है और पिछले साल के पॉपी सीड्स जो है वो भी डाले थे तो पॉपी भी इसी में उग रहा है। आगे मेरा सहजन का प्लांट है, नीचे गॉम्फ्रेना, फिर से बहुत सारा गॉम्फ्रेना, लाइची का प्लांट, चीकू, करेला और यहाँ पर जो है बहुत सारा ये देखे मरवा और मधुमालती भी यहाँ है। करेला इतना सारा हो जाता है कि उसके बाद में उतारने का टाइम नहीं मिलता और वो येलो होके वहीं पे ही सीड बनाता जा रहा है। वीडियो बनाने के लिए मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम है और प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, तो बाकी सब कुछ मैं आपको थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगी। अभी मैं आपको रफली दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए बैंगन भी उगे हुए हैं, बैंगन इस बार घिया के साइज़ के बैंगन उगे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बैंगन हैं कि अगर आप पास से देखोगे ना आपको लगेगा ये घिया है कि बैंगन है। ये देखिए अभी ये और भी बड़ा होगा, मैं पीछे आपको दिखाऊं, आपको लटके हुए लगेगा कि यहाँ पे घिया है, ये बहुत बड़े बहुत ह्यूज साइज के बैंगन है, पूरे एक एक हाथ लंबे। यहाँ पे हमारे जो रेन लिली है वो भी अच्छे से हो रहा है, बैंगन वाइट वाले जो है जिसे अंडे के जैसे दिखते हैं ये भी बहुत सारे हो रखे हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम इसके साथ में, अपनी गार्डनिंग में बेहद इन्जॉय करते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करूंगी। ये मेरा दूसरा अनार का प्लांट है जिसमें और अनार आए हुए हैं, तो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करूंगी क्योंकि टाइम ना तो आपको देखने में मज़ा आएगा, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो ना तो आप देख ही पाओगे और ना ही मुझे बताने में उतना इंटरेस्ट आएगा। किसी अलग से किसी वीडियो पे किसी पौधे पे आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगी किसी प्लांट के बारे में जिसके बारे में भी आप जानना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।